हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंट्राडे एक्सपर्ट में, जहां हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को डेली एनालाइज करते हैं। आज हम लोग एक अलग टॉपिक में वीडियो बना रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है बुल ट्रैप एंड बियर ट्रैप। ये क्या होता है, बेसिकली ये क्या होता है, बुल ट्रैप क्या होता है, बियर ट्रैप क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। बुल ट्रैप एक टाइप का रिवर्सल पैटर्न होता है। ये हम लोग को मिलता है अपर साइड में, हमको फाइंड करना पड़ता है ये पैटर्न अपर साइड में, जब मार्केट ऊपर आ रहा होता है। और बियर ट्रैप एक टाइप का बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, ये हमको ढूंढना पड़ता है डाउन साइड रैली में, जब मार्केट गिर रहा होता है तो हम उसको फाइंड करते हैं बियर ट्रैप। बट ये दोनों होता क्या है, बुल ट्रैप मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट बढ़ रहा होगा फिर वहां से बियरिश रिवर्सल कैसे होता है, बियर ट्रैप मार्केट गिर रहा होगा फिर वहां से बुलिश रिवर्सल कैसे होता है। लोगों को लगता है बुल ट्रैप में कि मार्केट बहुत ऊपर आएगा लेकिन मार्केट वहीं से फॉल देना स्टार्ट होता है। बियर ट्रैप में लोगों को लगता है कि मार्केट बहुत गिर जाएगा लेकिन मार्केट वहीं से रिवर्स कर जाता है। तो कौन सा सिग्नल है, क्या सिग्नल है, सब कुछ बताया जाएगा कि कौन सा सिग्नल देख के हम लोग समझ जाते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बुल ट्रैप है या बियर ट्रैप है। तो हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, आपको चार्ट में बताया जाएगा, पूरा चार्ट में आपको विद एग्जांपल दिखाया जाएगा। तो पहले हम लोग समझते हैं डायग्राम से, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं, बात करते हैं बुल ट्रैप। देखिए ये होता क्या है, मान लीजिए मार्केट, सपोज मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, बैंक निफ्टी निफ्टी का एक रेजिस्टेंस एरिया है और निफ्टी अभी मॉर्निंग में कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है, मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा, ठीक है, कंटिन्यू ऊपर आ रहा, अपना रिटेस्टमेंट लेते हुए ऊपर आ रहा पर आ रहा। देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया, सबको पता है कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी जो भी रहेगा इंडेक्स यहाँ पे तो होल्ड करेगा, सबको पता है कि एक रेजिस्टेंस एरिया है, अगर ये ब्रेक हो जाए तो मार्केट बहुत ऊपर आएगा। और ठीक, सब कोई ये जोन का वेट करते हैं कि ये लेवल कब कटे, ये लेवल कटेंगे और हम लोग बाइंग साइड का ट्रेड ले लेंगे, हम लोग कॉल ऑप्शन बाय करके पैसा कमा लेंगे। बट बुल ट्रैप होता है एक्चुअली, देखिए जब मार्केट को एक रेजिस्टेंस एरिया की तरफ पहुंचता है और इसके ऊपर अगर आ गया तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सब कोई कॉल बाय कर लेते हैं, जोन पे कॉल बाय कर लेते हैं और सोचते हैं कि स्टॉप लॉस में तो छोटा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगा देंगे, इससे मेरा स्टॉप लॉस एरिया है, जनरली ये स्टॉप लॉस एरिया है और लोग यहाँ पे बाय कर लेते हैं। लेकिन ये होता क्या है, देखिए मार्केट को अगर ऊपर आना होगा तो मार्केट यहाँ पे मौका नहीं देगा आपको, मार्केट स्पीड से अपना अपर साइड का मोमेंटम कुछ इस तरह से करेगा अगर मार्केट को ऊपर आना होगा, जिसको बोलेंगे जेन्युइन ब्रेकआउट बोलते हैं। अगर बुल ट्रैप नहीं होगा तो मार्केट आपको रेजिस्टेंस एरिया में बाय करने का मौका ही नहीं देगा, मार्केट स्पीड से इस तरह से रैली करेगा इस तरह से। लेकिन बियर ट्रैप में एक्चुअली होता क्या, देखिए जब मार्केट कोई एक रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करे, ब्रेक करके अगर यहाँ पे साइलेंट हो जाए, देखिए इस तरह से साइलेंट हो जाए, साइडवे हो जाए, तो समझ जाइएगा मोस्ट ऑफ द टाइम ये बुल ट्रैप है, एक टाइप का रिवर्सल पैटर्न है, मार्केट किसी भी वक्त घूम के इस तरह से अपना डाउन साइड का रैली को कंटिन्यू कर लेगा। लोगों को एक्सपेक्टेशन यहाँ पे होता है कि मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया और यहाँ से अब और ऊपर जाएगा, लेकिन बुल ट्रैप में क्या होता है, अगर मार्केट कोई एक रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगा ना, ब्रेक करके अगर आपको मौका दे रहा, ऐसा अगर साइडवे हो रहा, मतलब मौका दे रहा मतलब देखिए ये लोगों, ये जो जोन है, ये जो एरिया है, इस पे बहुत लोग नजर रखे हैं, बहुत लोगों की इसमें आई है कि ये एरिया अगर जैसे क्रॉस करेगा हम लोग मार्केट को बाय कर लेंगे, तो बहुत लोग यहाँ पर रेडी होते हैं अपना ट्रेड लेने के लिए। तो मार्केट क्या करता, देखिए अगर ये बुल ट्रैप अगर होगा, अगर बेरिश रिवर्सल पैटर्न बनाना होगा तो मार्केट यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा, इस तरह से साइडवे हो जाएगा, पूरा कंप्लीट साइडवे हो जाएगा, यहाँ पे दो रेड दो ग्रीन, दो रेड दो ग्रीन, मतलब एक ही जोन पे, ये हाई ब्रेक नहीं करेगा, इवन यहाँ पे घूमता रहेगा, अगर बहुत देर यहाँ पे अगर घूम जाएगा तो समझ जाएगा ये बुल ट्रैप है। आपको मार्केट मौका देगा क्या, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा, मार्केट को अगर जेन्युइन ब्रेकआउट करना होगा तो क्या मार्केट आपको मौका देगा कि आप बाय करके पैसा कमा लो, बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि मार्केट का जो मेन मोटिव होता है रिटेलर्स को लॉस कराना। तो मार्केट अगर एक कोई भी रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर अगर आके साइलेंट अगर होता है ना, तो मोस्ट ऑफ द केस वो एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है, जिसको बोलते हैं बुल ट्रैप, मार्केट को भी टाइम नीचे आ जाएगा। ये फर्स्ट सिनेरियो है, ये फर्स्ट सिनेरियो में हम समझते हैं कि बुल ट्रैप कैसे होता है। ओके, सेकंड सिनेरियो देखिए, और एक बार बुल ट्रैप कैसे होता है, मार्केट अपना अपर साइड का मोमेंटम कैरी कर रहा, जब कोई भी रेजिस्टेंस एरिया को जब मार्केट क्रॉस करेगा ना, तो फर्स्ट टाइम कहीं बाय नहीं करना चाहिए, जैसा रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा लोग यहाँ तुरंत यहाँ पे बाय कर लेते हैं, यहाँ पे कभी बाय मत कीजिएगा, एक टाइप का बुल ट्रैप होगा, क्योंकि मार्केट को वेट कीजिए कि मार्केट एक रिटेस्टमेंट ले ले, अगर रिटेस्टमेंट लेता है देन अगर हाई को ब्रेक करेगा तो ही आप एंट्री यहाँ पे लीजिएगा, देन अगर इस तरह का पैटर्न बनता है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे,
तब मार्केट में जेन्युइन ब्रेकआउट देखने मिलेगा, मार्केट इस तरह से ऊपर रैली कंटिन्यू करेगा। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया, देखिए मान लीजिए कि मार्केट एक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है, ब्रेक करने के बाद फर्स्ट बार जब ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे इंट्री कभी नहीं लेना चाहिए, फर्स्ट बार इंट्री कभी नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा होगा तो वहां पे कभी इंट्री मत लीजिए, क्योंकि वहां पे लाखों लोग रेडी है इंट्री लेने के लिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया सबको पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर आएगा तो सबको यहाँ पे ट्रेड लेंगे, तो मार्केट उन लोगों के स्टॉप लॉस लेने के लिए एक बार नीचे आएगा अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट रिटेलर को पैसा नहीं देगा, तो उन लोगों का स्टॉप लॉस लेके जाना है तो मार्केट एक बार नीचे आएगा, तो हम लोग को वेट करना है कि मार्केट एक बार नीचे आए। और जब नीचे आके जब अगेन जब ये अगर हाई को रिटेस्ट करता है, हाई को अगर क्रॉस करता है, तो हम लोग को एंट्री इस जोन पर बनाना चाहिए। तो क्या होता है बुल ट्रैप में, क्या होता है देखिए लोग यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं और मार्केट यहाँ से अगर सड़क नीचे आता है सबको स्टॉप लॉस ले लेता है, ये एक टाइप का बुल ट्रैप होता है। और कई बार मार्केट का डाउनफॉल पूरा वापस से नीचे भी आ जाता है, तो ये एक केस है। और थर्ड केस देखिए, थर्ड केस समझते हैं, मार्केट जब स्पीड से विदाउट एनी रिट्रेसमेंट अगर ऊपर आ रहा है, कंटिन्यू विदाउट एनी रिट्रेसमेंट अगर ऊपर आ रहा है, मार्केट में जरा भी रिट्रेसमेंट है ही नहीं, मतलब कोई रेड कैंडल नहीं है, लगातार मार्केट ग्रीन कैंडल बनाया जा रहा है, लगातार ग्रीन कैंडल बना रहा है। मान के चलिए कि 500 पॉइंट 400 पॉइंट के ऊपर मोमेंटम हो गया, मतलब अगर आप चेक करेंगे सुबह 9:15 से लेके 10:30-11 बजे के बीच में आप देख रहे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी 500 पॉइंट का मोमेंटम कर चुका है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, विदाउट एनी सिंगल रेड कैंडल, 10 मिनट टाइम फ्रेम में हो या 15 मिनट टाइम फ्रेम में हो। मार्केट लगातार अगर ऊपर आएगा ना तो बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि मार्केट बुल ट्रैप करेगा, एक रेजिस्टेंस एरिया के पास आके मार्केट ना ऐसा तो स्पीड से ऐसा सडन फॉल करेगा, तो एक टाइप का बुल ट्रैप होता है। जब मार्केट बिना रिट्रेसमेंट को पड़ा इस तरह सारा रिट्रेसमेंट नहीं ले रहा, ये रिट्रेसमेंट लिया ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट लिया। बट अगर ऐसा केस अगर हो जाएगा, मान के चलिए कि लगातार मार्केट 400 से 500 पॉइंट या 600 पॉइंट का मोमेंटम कर रहा है, एक बिग मोमेंटम कर रहा है विदाउट एनी सिंगल रेड कैंडल, तो समझ जाएगा कि अगर आपका पोजीशन लिया हुआ है तो जितना जल्दी हो सॉर्फ कीजिए, एक रेड कैंडल बने तो सॉर्फ कर लीजिए, और सेकेंड आप और रेजिस्टेंस एरिया में कॉल को बाय मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट किसी भी वक्त ना पूरा फॉल करेगा, जहां से राइजिंग आया था मार्केट वहां तक आ जाता है। तो ये सब बुल ट्रैप के एग्जांपल है। आपको चार्ट में विद कैंडलस्टिक पैटर्न, आपको चार्ट में विद कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको ये सब दिखाया जाएगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं बुल ट्रैप का, ये आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा बुल ट्रैप क्या होता, ठीक है। तो ये था हम लोग का बुल ट्रैप के कुछ एग्जांपल। अब बात करते हैं बियर ट्रैप क्या होता, व्हाट इज बियर ट्रैप। देखिए मान लीजिए कोई एक सपोर्ट एरिया है, सपोज मान लेते हैं कि ये एक सपोर्ट एरिया है, तो ये एक सपोर्ट एरिया है, लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि सपोर्ट ब्रेकआउट हो जाए तो हम लोग यहाँ पे पुट बाय कर लेंगे, मार्केट को शॉर्ट करेंगे। और देखिए मार्केट अपना सुबह से ऐसा फॉल हो रहा होता तो मार्केट वैसे गिर रहा होता, तो जैसे सपोर्ट पाता सपोर्ट जैसे ब्रेक होता तो लोग यहाँ पे क्या करते, पुट बाय करने का प्लानिंग करते, और जैसे सपोर्ट ब्रेक हो लोग यहाँ पे पुट बाय भी कर लेते। देखिए अगर मार्केट को जेन्युइन ब्रेकआउट करना है, अगर मार्केट को अगर रियली अगर नीचे आना होगा ना, तो मार्केट ये सपोर्ट को रेस्पेक्ट नहीं करके स्पीड से इस तरह से मोमेंटम करेगा इस तरह से, तो ये होता है जेन्युइन ब्रेकआउट। लेकिन अगर मान लीजिए कि मार्केट में कुछ इस तरह से हो रहा कि मार्केट अपना कोई भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद ऐसा साइलेंट हो जा रहा है, ऐसा साइलेंट अगर हो जा रहा तो समझ जाइएगा कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है, जिसको बोलेंगे बियर ट्रैप। क्या बोलेंगे हम लोग, बियर ट्रैप। यहाँ से बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल सकता है, मार्केट में एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि कोई भी टाइम, ज्यादा चांसेस होता है कि मार्केट कोई भी टाइम इस तरह से ऊपर आ जाए इस तरह से, ठीक है। देखिए जब कोई सपोर्ट ब्रेक करके अगर मार्केट सस्टेन हो जाए, मतलब मार्केट एक स्टेबल हो जाए अपना सपोर्ट एरिया के पास या सपोर्ट एरिया के थोड़े नीचे, अगर मार्केट एकदम शांत हो जाए, मतलब मार्केट में कोई मोमेंटम ना हो, तब आप समझ जाइएगा कि ये टाइप का बियर ट्रैप है। यहाँ से बुलिश रिवर्सल पैटर्न ढूंढने का कोशिश कीजिएगा और मार्केट देखेगा कोई भी टाइम घूम के ऊपर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट सिनेरियो है। देखिए मार्केट में सेलिंग जो होता है ना वो बहुत काफी फास्ट होता है, जब कोई लेवल ब्रेकआउट हो जाए, कोई सपोर्ट अगर टूट जाए तो मार्केट आपको मौका नहीं देगा, मार्केट कुछ इस तरह से गिरेगा। देखिए इस तरह से ये सपोर्ट ब्रेक किया तो इस तरह से स्पीड से मोमेंटम करेगा, बहुत ही स्पीड मोमेंटम करेगा, ताकि लोगों को यहाँ पे बाय करने का मौका ना मिले, रिटेलर पैसा नहीं कमा सके। लेकिन सोचिए अगर मार्केट सपोर्ट ब्रेक कर रहा और यहाँ पे अगर ठहर जा रहा, यहाँ पे शांत हो जा रहा, यहाँ पे आपको सबको दिख रहा है कि सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, उसके बावजूद मार्केट अगर आपको मौका दे रहा बाय करने का, आपको लग रहा कि आपका एंट्री मिस नहीं हुआ, मैं यहाँ एंट्री ले लूंगा, ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, मार्केट यहाँ पे आपको एंट्री देने का मौका दे रहा है, तो समझ जाइएगा मार्केट आपको इनवाइट कर लॉस करने के लिए, मार्केट आपको इनविटेशन भेजा लॉस करने के लिए, लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और मार्केट को भी टाइम ऊपर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट सिनेरियो होता है इसका, बियर ट्रैप का। और सेकंड सिनेरियो, अगर मान लीजिए मार्केट कंसिस्टेंट गिर रहा, लगातार गिर रहा, मतलब आप देख रहे हैं 10 मिनट टाइम फ्रेम में
विदाउट एनी सिंगल ग्रीन कैंडल, मार्केट बिना रिट्रेसमेंट का कोई भी अगर सपोर्ट को स्पीड से अगर तोड़ता है ना, तो मार्केट का बहुत ज्यादा चांसेस होता है तो मार्केट ना सस्टेन नहीं करता, मार्केट किसी वक्त पूरा रिकवरी कर लेता है। इसको होते वी शेप रिकवरी, कुछ इस तरह से होता है पैटर्न। अगर मार्केट एक सपोर्ट एरिया को विदाउट एनी रिट्रेसमेंट लगातार माने 400 पॉइंट 500 पॉइंट 600 पॉइंट का मोमेंटम कर रहा विदाउट एनी सिंगल रिट्रेसमेंट, कोई ग्रीन कैंडल नहीं है, तो उस दिन आप एंट्री मत लीजिएगा एक सपोर्ट एरिया के पास। अगर आपका एंट्री सुबह हो गया है, मॉर्निंग ले लिए, तो जल्द से जल्द प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मार्केट किसी वक्त ना स्पीड से ऊपर आ जाएगा, फिर आपको इस रेट को मैच करना आपको दिक्कत हो जाएगा, आप अपना प्रॉफिट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये एक सेकेंड सिनेरियो होता। अब बात करते हैं हम लोग बेयर ट्रैप का एक और सिनेरियो का। देखिए, मान लीजिए कि मार्केट ऐसा गिर रहा, कंटिन्यू गिर रहा, जैसे मार्केट जब कोई फर्स्ट बार जब कोई सपोर्ट को ब्रेक करेगा ना, तो ये फर्स्ट बार यहाँ पे एंट्री कभी मत लीजिएगा। यही एक चांसेस होता है जहाँ पे रिटेलर्स लोग को लॉस होता है, क्योंकि लोग यहाँ पे सपोर्ट का वेट करते हैं, सपोर्ट जैसे टूटेगा लोग एंट्री लेंगे, जैसे सपोर्ट टूटता है फट से लोग यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, और मार्केट देखते हैं घूम के आता है और यहाँ पे आपका स्टॉप हिट कर देता है ये सब जोन में। तो जब मार्केट कोई भी एक सपोर्ट एरिया को जब ब्रेक कर रहा होगा ना, तो फर्स्ट टाइम जब ब्रेक करेगा, जैसे कि कोई एक सपोर्ट एरिया है आप उसको मार्क करके रखे हैं, और जैसे उसको ब्रेक करेगा ना, तो फर्स्ट टाइम एंट्री कभी मत लीजिएगा। आप वेट कीजिएगा कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले ऊपर आए और लोगों को यहाँ पे स्टॉप हिट करे इस सब जोन पे, उसके बाद अगर मार्केट को गिरना होगा ना, तो मार्केट ये लोगों को ब्रेक करेगा, आप इसको मार्क कीजिएगा, ये लोगों को मार्क कीजिएगा, इसको भूल जाइए, ये जो सपोर्ट एरिया इसको भूल जाइए। मार्केट एक सपोर्ट को जब फर्स्ट टाइम ब्रेक कर रहा होगा, तो फर्स्ट टाइम में कभी एंट्री मत लीजिएगा, अब वेट कीजिएगा सेकंड टाइम का। तो मार्केट अगर घूम के अगर गिरना होगा, अगर जेन्युइन ब्रेकआउट होगा, तो मार्केट ये लो जरूर ब्रेक करेगा, अदरवाइज क्या होगा, मार्केट नीचे ऊपर आ जाएगा, ये टाइप का क्या होगा, बेयर ट्रैप होगी। तो अगर आपको बेयर ट्रैप से बचना है, तो आप फर्स्ट बार में जब सपोर्ट ब्रेक करेगा, तो कभी एंट्री मत लीजिएगा, वेट कीजिएगा। और जब मार्केट जब ऐसा जब नीचे गिरेगा, ओके, उसके बाद अगर ये लो ब्रेक करता है, तो लोग यहाँ पे कहीं एंट्री लेंगे, तब मार्केट अपना डाउनसाइड मोमेंटम को स्पीड से ऐसा कंटिन्यू करेगा। तो आई होप आपको डायग्राम में विथ ड्रॉइंग टूल्स के साथ आपको बता दिए कि बेयर ट्रैप क्या होता है और बुल ट्रैप क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे चार्ट में। ये चार्ट में मैंने बहुत सारा कुछ निकाल के रखा है, आपको दिखाते हैं चार्ट में। पहले इसको मैं डिलीट करूं। देखिए ये जोन पे देखिए, इसमें आपको दिखाया जा रहा है, मैंने इसको मार्क करके रखा है ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो जाए, लंबा ना हो जाए, ठीक है, शॉर्ट करने के लिए पहले से मार्क किया गया है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आप समझिए इस चीज को। देखिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है, जैसे इसको मैं मार्क करके दिखा रहे, जैसे ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। देखिए मार्केट ने कितना बार सपोर्ट दिया, देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ठीक है। मार्केट एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया को जब यहाँ पे ब्रेक किया, देखिए ब्रेक करने के बाद अगर मार्केट साइलेंट हो गया, डिसाइड हो गया मार्केट, ब्रेक करने के बाद आपको मौका दे रहा कि लोग मुझे सेल करो, लोग मुझे सेल करो। देखिए फॉर एग्जांपल आप लोग इस सपोर्ट का बहुत अच्छे से वेट कर रहे थे, इस सपोर्ट एरिया टूटने का, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक भी किया। अब अगर आप फर्स्ट टाइम एंट्री लेंगे, तो देखिए मार्केट लॉस करा देगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से जब ऊपर आके जब यहाँ पे साइड हो गया, तो समझ जाना है कि एक टाइप का बेयर ट्रैप होगा। आपको क्या करना चाहिए, ये लोग मार्क करना चाहता, अगर ये लोग वापस ब्रेक करता, अगर तब जाके जेन्युइन ब्रेकआउट होता, तब मार्केट एक लंबा मोमेंटम करता, बट यहाँ पे ऐसा हुआ, देखिए चुपकी नहीं हुआ। क्या हुआ, मार्केट एक सपोर्ट को ब्रेक किया, क्योंकि सब लोग इस सपोर्ट का टूटने का वेट कर रहे, सब लोग वेट कर रहे कि सपोर्ट कैसे टूटे और हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। तो जैसे मार्केट का सपोर्ट तोड़ा, यहाँ पे लोग, यहाँ पे बहुत सारे लोग मार्केट को शॉर्ट कर दिए और मार्केट घूम के और नीचे नहीं आया, पूरा ऊपर चले गए। फर्स्ट केस है हम लोग का। और जाके चेक करते चार्ट में से बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको दिखा रहे। देखिए इस जोन पे क्या हुआ, देखिए यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, आप देख सकते हैं इसको मार्क करके दिखा रहे आपको, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया था बैंक निफ्टी का। देखिए मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे जैसा मार्केट सपोर्ट को फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट किया, लोग यहाँ पे बाय कर लिए होंगे, सपोर्ट टूट गया, ये सपोर्ट टूटा, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड, थर्ड, मार्केट यहाँ पे लगातार तीन बार सपोर्ट ले चुका है। तो मार्केट में जैसे सपोर्ट टूटेगा, लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम बाय कर लेंगे, बाय करेंगे, मार्केट घूम के ऊपर आ गया, कितना बार मोमेंटम किया, कितना बार लॉस करा दिया। तो हम लोग क्या करना चाहिए, जब मार्केट जब फर्स्ट बार जब सपोर्ट तोड़ेगा, तो हम लोग को कभी भी एंट्री नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया, ये फर्स्ट सपोर्ट तोड़ा, यहाँ पे एंट्री मत लीजिए, आप वेट कीजिए प्राइस एक्शन पैटर्न का। मार्केट में अगर गिरना होगा, तो मार्केट ये लो ब्रेक करता, तब मार्केट में एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने मिलता। अगर बेयर ट्रैप करना होगा ना, तो मार्केट यहाँ पे सबको ट्रेड दिलवा देगा, पहले इनविटेशन देगा कि लोग मुझे बाय करो। देखिए मार्केट गिरा, सपोर्ट तोड़ा, यहाँ पे छोटा छोटा ग्रीन कैंडल बना रहा, तो लोगों को क्या लगा, एक्सपेक्टेशन क्या है कि सपोर्ट तो ब्रेकआउट हो चुका है, अब हम लोग एंट्री ले लेंगे। तो मार्केट अगर कोई इन्वाइट कर रहा कि मुझे शॉर्ट करो, तो समझ जाइए एक बहुत बड़ा प्लानिंग है आपको लॉस करवाने का। मार्केट को भी टाइम देखिए घूम के ऊपर आ जाएगा, पढ़ाएंगे और समझते हैं हम लोग। देखिए और अभी आपको दिखेगा चार्ट में,
यहाँ पे मैंने मार्क किया, देखिए ई जोन में क्या हुआ, देखिए ये एक टाइप का बुल ट्रैप है। देखिए दो एग्जांपल जो मैंने अभी दिखाया वो बियर ट्रैप का, पर अब मैं दिखा रहा हूँ आपको बुल ट्रैप। देखिए बुल ट्रैप में क्या हो रहा है समझते हैं। देखिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था, आपको नजर आ रहा, उसको मार्क करके दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है बैंक निफ्टी का। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे, फिर रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे, फिर रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे। अब क्या हुआ, देखिए मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया खड़ा हुआ है ये जोन पे, हमने उसको मार्क किए। अब देखिए बैंक निफ्टी क्या किया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया। देखिए इस जोन पे ब्रेक किया, ये जोन पे आपको नजर आ रहा है ब्रेकआउट हो चुका है। लोग यहाँ पे जब रेडी होंगे कि कैसे ये लेवल ब्रेक हो जाए और हम लोग यहाँ पे कॉल ले लेंगे, तो लोग यहाँ पे जब फुल रेडी होंगे कॉल लेने के लिए, तो मैंने आपको पहले बताया है जब फर्स्ट टाइम कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो फर्स्ट टाइम एंट्री कभी नहीं लेना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हम लोग उसका हाई मार्क कर लेना चाहिए। तो मार्केट अगर जब नीचे आ रहा, देखिए जब फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट हो जाएगा तो मार्केट को अगर जेन्युइन ब्रेकआउट करना होगा तो मार्केट यहाँ मौका नहीं देगा, आप समझिए इस बात को। मार्केट यहाँ से ही अपना अपर साइड का मोमेंटम कुछ इस तरह से इतना फास्ट मोमेंटम करेगा कि आप मोमेंटम को कैच नहीं कर पाएंगे। रिटेलर जो होता है, जितने ट्रेडर होते हैं रिटेलर्स, इन लोग को एंट्री ना मिले इसलिए मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद स्पीड से एकदम मोमेंटम कर देगा, आपको मौका नहीं देगा। समझिए आप इस बात को कि मार्केट अगर शांत हो गया, देखिए एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद शांत हो गया, जब छोटा छोटा कैंडल बना रहा है तो समझ जाइए एक टाइप का बुल ट्रैप है, मार्केट किसी वक्त नीचे आएगा। देखिए अगर मार्केट को मोमेंटम करना होता तो मार्केट ये हाई को ब्रेक करता, ज्यादा से ज्यादा एक से दो रेड कैंडल बनता, बस एक या दो कैंडल रेड बनता और मार्केट अपना अपर साइड का मोमेंटम ऐसा कंटिन्यू करता, अगर ये जेन्युइन ब्रेकआउट होता तो। बट फॉल्स ब्रेकआउट होगा ना, तो एक चीज को समझिए, मार्केट एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, लोग यहाँ पे कॉल बाय कर लेंगे क्योंकि लोगों का बहुत जल्दबाजी होता है, लोग सोचते हैं कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ऐसा ना हो कि मेरा ट्रेड छूट जाएगा, ऐसा नहीं हो कि मेरे को प्रॉफिट कम मिलेगा, इसी चक्कर में लॉस होता है। अगर आप ट्रेड में जल्दबाजी करेंगे, अगर आप डिसिप्लिन होकर काम नहीं करेंगे तो मार्केट आपको लॉस करवा देगा। यहाँ पे ब्रेक हुआ, लोग यहाँ पे सब कॉल का प्लानिंग कर लिए, सब बाय कर लिए और मार्केट घूम के देखिए कितना इजीली आपको स्टॉप लॉस करवा दिया, एक बार लॉस भी करवा दिया। कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, और भी बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ भी एक टाइप का बुल ट्रैप नजर आ रहा है आपको, तो क्लियर नजर आ रहा कि नहीं, देखिए बताइए बुल ट्रैप। देखिए मार्केट एक यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, देखिए ये हम लोग का रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट इसको स्मार्टली पहले सुबह अर्ली मॉर्निंग में ब्रेक कर चुका, देखिए ब्रेक किया, लोग यहाँ पे क्या किए, कॉल बैक किए। और एक चीज देखिए, मार्केट जब यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर आ रहा था, कितना पॉइंट मोमेंटम कर चुका, देखिए 30 मोमेंटम चेक करते हैं, मार्केट यहाँ पे मोमेंटम कर चुका है करीब करीब, एक सेकेंड, 800 पॉइंट। देखिए मार्केट ने 800 पॉइंट का मोमेंटम किया विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, एक रेड कैंडल खाली बला है, लेकिन इसका क्या मतलब है, देखिए जब 800 पॉइंट का मोमेंटम कर रहा है विदाउट एनी प्राइस एक्शन, विदाउट एनी सिंगल रिट्रेसमेंट, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई भी टाइम मार्केट घूम के नीचे आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला, मार्केट अगर 500 पॉइंट का मोमेंटम कर रहा विदाउट सिंगल रेड कैंडल, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इतना बड़ा मोमेंटम किया 800 पॉइंट का, वो भी सिर्फ एक रेड कैंडल है, कितना ग्रीन कैंडल है, 6 ग्रीन कैंडल है, तो समझ जाएगा मार्केट कोई भी टाइम घूम के नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक किया, अपना जो कल का जो रेजिस्टेंस था, अपना यस्टरडे का जो रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया, लोग यहाँ पे और कॉल बाय किए, लोगों को लगा कि और ऊपर जाएगा, और मार्केट देखिए घूम के अपना डाउन साइड मोमेंटम को कंटिन्यू किया। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, देखिए ये भी एक टाइप का बुल ट्रैप है। यहाँ इस जोन पे क्या हुआ, देखिए ये था मतलब रेजिस्टेंस, कितना बार मार्केट यहाँ पे रजिस्टर ले रहा, देखिए कितना बार मार्केट यहाँ पे रजिस्टर कर रहा, 1, 2, 3, 4, 5 मार्केट यहाँ पे जैसे ब्रेक किया, लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर आएगा, लोगों ने यहाँ पे कॉल बाय किया और मार्केट यहाँ पे शांत हो गया। देखिए जब बेयर ट्रैप करना होगा तो मार्केट एकदम शांत हो जाएगा, मार्केट एकदम स्लो हो जाएगा, कितना सारा कैंडल बना रहा है एक ही जोन पे, तो समझ जाएगा ये बेयर ट्रैप है, किसी भी वक्त मार्केट नीचे आ जाएगा, और देखिए मार्केट नीचे आ गया। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा, तो वीडियो को और एक बार रिपीट करके देखिएगा ताकि आपको बुल ट्रैप और बियर ट्रैप पूरा क्लियर हो जाए। देखिए और एग्जांपल देखिए, इस जोन पे क्या हुआ, देखिए क्या ये बियर ट्रैप है कि नहीं बताइए। देखिए मार्केट एक सपोर्ट एरिया, इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया था हम लोग का ये जोन पे, देखिए मिला यहाँ पे कितना टाइम सपोर्ट लिया, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितना बार सपोर्ट लिया, ठीक है। तो लोगों का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि जैसे सपोर्ट ब्रेकआउट होगा हम लोग यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट कर देंगे और पैसा कमा लेंगे, और मार्केट देखिए अपना सपोर्ट को ब्रेक किया और देखिए यहाँ पे शांत हो गया। आपको क्या करना चाहिए, आपको ये लो को मार्क करना चाहिए, अगर मार्केट को जेन्युइन ब्रेकआउट करना होता, गिरना होता, तो मार्केट यहाँ से ऐसा गिरता कि लो को ब्रेक करता, लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं, किया लोगों के यहाँ पुट तो दिलवा दिया, मार्केट सपोर्ट को तोड़ा
और लोगों को ये दिमाग ने दिखा दिया, सबको दिखा दिया कि देखिए सपोर्ट ब्रेकआउट हो चुका है, मुझे शॉर्ट करो, और लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। ठीक है, अगर गिरना होता तो मार्केट रिट्रेसमेंट लेने का नीचे आता, ये लो ब्रेक करता, हम लोगों को जो प्रॉपर एंट्री होता अगर मार्केट का एक्चुअल गिरना होता तो ये लोग नीचे होता। क्योंकि मैंने पहले बोला है कि जब फर्स्ट टाइम कोई सपोर्ट ब्रेकआउट हो तो उस पर एंट्री नहीं लेना चाहिए, हम लोग को वेट करना चाहिए कि अगेन अगर वो लो ब्रेक हो तब एंट्री करना है। तब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सब लोग एकदम रेडी थे, जैसे सपोर्ट ब्रेक होगा ये सपोर्ट जैसा ब्रेक होगा लोग एंट्री लेंगे, लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया, मार्केट शांत हुआ। हाँ देखिए कितना बड़ा अपर साइड का मोमेंटम कर दिया और आपको लॉस करवा दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे भी देखिए ये एक सपोर्ट एरिया था, आपको नजर आ रहा है, अगर उसको मार्क करके दिखा रहे हैं आपको, देखिए सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया था और मार्केट इस जोन पे आया, लोगों को लगा कि जैसा सपोर्ट ब्रेक करेगा एक बड़ा कैंडल से ब्रेकआउट किया, एक बिग कैंडल से ब्रेकआउट किया, लोगों ने यहाँ पे स्पीड से एकदम दबा के शॉर्ट किया होगा मार्केट को कि मार्केट बहुत नीचे जैसा बहुत नीचे आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जब फर्स्ट टाइम सपोर्ट ब्रेक करेगा फर्स्ट टाइम कभी भी एंट्री नहीं लेना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए था कि मार्केट ऊपर जाए और फिर अगर ये लोग ब्रेक करे हम लोग एंट्री लेंगे, बट मार्केट क्योंकि ये लोग ब्रेक किया नहीं किया, क्यों? क्योंकि एक टाइप का बेयर ट्रैप है, मार्केट फर्स्ट टाइम जब सपोर्ट ब्रेक करेगा तो कभी एंट्री मत लीजिएगा, तो मार्केट घूम के ऊपर आ गया, यहाँ पे लोगों का सबका उठा वस्ता पर सीट हो गया। तो ये सब है केसेस बुल ट्रैप और बेयर ट्रैप के। आई होप आपको बुल ट्रैप और बेयर ट्रैप के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज मिल रहा है, तो अगर दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार वापस से रिपीट करके फिर से देखिएगा। देखिए एक और एग्जांपल देखिए बुल ट्रैप का, एक और एग्जांपल देखिए, बताइए इस जोन पे क्या हुआ। देखिए आपको नजर आ रहा है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, आई थिंक आप एक चीज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। देखिए अगर चेक करेंगे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, देखिए कितना बार रेजिस्टेंस है, कितना बार लिया इस जोन पे, एक रेजिस्टेंस वाला एरिया वाला है, ठीक है, ये जोन एक रेजिस्टेंस एरिया वाला है। देखिए मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, अब ब्रेकआउट करने के बाद क्या मार्केट ऊपर गया, अगर जाना होता तो मार्केट अगेन इसका हाई को ब्रेक करके अपना अपर साइड मोमेंटम स्पीड से कंटिन्यू करता, लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, शांत हो गया, देखिए अगेन शांत हो गया, समझ आ रहा। देखिए जहां से क्या होता है, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो एक दो रेड कैंडल बना के मार्केट अपना अपर साइड का मोमेंटम कंटिन्यू करता, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं किया, रेजिस्टेंस को देखिए यहाँ पे ब्रेक किया, इस जोन पे ब्रेक किया और मार्केट यहाँ पे शांत हो गया। तो समझ जाइए एक टाइप का क्या है, बुल ट्रैप है, बेरिश रिवर्सल पैटर्न बनेगा, मार्केट किसी भी वक्त नीचे आ जाएगा, और देखिए मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो रहा। बस एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, देखिए ये जोन में क्या हुआ, देखिए ये जोन में देखिए क्या हुआ, मार्केट सुबह से ही कंटिन्यू ऊपर आ रहा है, एक कैंडल दो तीन चार पांच छह, देखिए छह कैंडल ग्रीन बन गया। अगर साइजिंग देखेंगे इसका तो साइजिंग कितना पॉइंट्स का हो रहा है, देखिए 600 पॉइंट्स। मैंने बोला है आपको अगर मार्केट 400 पॉइंट के ऊपर मोमेंटम कर रहा है, 400 500 600 विदाउट एनी सिंगल रेड कैंडल, तो समझ जाइएगा ये बहुत बड़ा बेयर ट्रैप है। अगर आप लोग यहाँ पे एंट्री लिए हैं तो कोशिश कीजिए जितना जल्दी एग्जिट हो जाए, जैसे एक रेड कैंडल बना आपको यहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए अगर आप लोग यहाँ पे एंट्री लिए हैं तो, और जो लोग एंट्री मिस कर दिए वो लोग को यहाँ पे एंट्री नहीं लेना चाहिए। आप एक चीज नोटिस कीजिए, मार्केट लगातार छह कैंडल से ग्रीन बन रहा, 6 कैंडल ग्रीन है और 600 पॉइंट का मोमेंटम कर दिया, तो किसी भी वक्त मार्केट क्या करेगा, बेयर ट्रैप कर देगा, बुल ट्रैप कर देगा, सॉरी बुल ट्रैप। और देखिए मार्केट नीचे आ गया, जहां से राइजिंग आया था वहीं तक मार्केट आ गया, देखिए इतना बड़ा फॉल दिया, ये जोन में जो लोग बाय किए होंगे उन लोगों को भयंकर लॉस हुआ होगा। तो आई होप आपको बुल ट्रैप और बेयर ट्रैप के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया है। और देखिए ये हम लोग का फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप जरूर जुड़िए, अगर आप ट्रेड करते हैं आपको लाइव में टेलीग्राम चैनल में अपडेट दिया जाता है, मार्केट में क्या होने वाला है जो भी हम लोग समझ में आता है तो सारा कुछ इसमें दिया जाता है। अगर आप चैनल में नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल में जरूर जुड़िए, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। ये फ्री टेलीग्राम चैनल है, आपको एक रुपया भी देना नहीं है, इसमें आप लाइव अपडेट इंजॉय कर सकते हैं। अब कमिंग वीक से इसमें पोजिशनल ट्रेड भी दिया जाएगा, तो इस चैनल में जरूर जुड़िए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।